अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी चीज़ बंस. वेरी इजी एंड वेरी यमी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चीज़ ब्रेड के लिए मैंने सबसे पहले लिया है मैदा, और मैदा मैंने लिया है तकरीबन 250 ग्राम्स. इसके अंदर मैं शामिल करूंगी एक अदद अंडा रूम टेम्परेचर. बटर मैंने लिया है तकरीबन 3 टेबलस्पून्स, और इसको भी मैंने मेल्ट कर लिया है. दूध जाएगा इसमें तकरीबन 125 ml, और वो भी थोड़ा सा लूकवम, मीन्स गर्म होना चाहिए थोड़ा सा. यीस्ट या खमीर इसमें जाएगा तकरीबन 1.5 टीस्पून. चीनी इसमें जाएगी तकरीबन 1 टेबलस्पून. नमक इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1/2 टीस्पून, क्योंकि मैं यहाँ पर ले रही हूँ सॉल्टेड बटर, मींस इस बटर के अंदर नमक है. अगर आपके बटर में नमक ना हो तो आप इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर नमक शामिल करेंगे. अब आपने एक लकड़ी का कोई भी चम्मच लेना है और उसकी बैक साइड से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना शुरू करना है. याद रखिए कि ये चम्मच जो है या इसका जो बैक साइड है ये थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए. तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको इसी तरह गूंद लेंगे और हमारी डो जो है वो रेडी हो जाएगी. अगर आपके पास मिक्सर है या आटा गूंदने की मशीन है तो आप जो है उसमें इसको इसी तरह से, जैसे मैं गूंद रही हूँ, मैं 5 मिनट हाथ से करूँगी, लेकिन अगर आपने मशीन यूज़ करनी है तो 3 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, इनफ होते हैं. पेड़ा मैंने बना लिया है, अब मैं इस पेड़े को बेल लूंगी. अब इसके ऊपर मैं ब्रश से जो है ये बटर, जो नॉर्मली हमें बाजार में मिल जाता है ये वाला बटर, मैं आपको दिखा देती हूँ. ये वाला बटर जो है ना, तकरीबन इस पे 2 टेबलस्पून्स लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून्स. तो ये बटर जो है ना, मैं इस पे ब्रश कर लूँगी. और अब मैं इसके ऊपर जो है ये स्प्रिंग अनियन जो होते हैं ना, हरी प्याज, ये डाल दूंगी. आपकी मर्जी है, अगर आपने ये नहीं डालना, ये ऑप्शनल है तो आप मत डालिएगा. अगर आपने शिमला मिर्च डालनी है तो वो डाल दें, लेकिन साइज जो है ना बहुत छोटा छोटा होना चाहिए ताकि ये ब्रेड में ना बाहर ना निकले. अब इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल दूंगी चीज, और ये चेडर चीज मैंने ली है, और मैंने इसको छोटा छोटा, बिल्कुल छोटा, बारीक बारीक जो है ना काट लिया है. ये आप इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मींस लाइटनेस पे है कि आप लोग कितना ज्यादा चीज डालना चाहेंगे. मैं इसमें इतना चीज डाल रही हूं, दैट इज इनफ. अब पिज्जा कटर से मैं इसके इस तरह से काट लूंगी. आप देख रहे हैं मैं इसको किस तरह काट रही हूं, जैसे हम पिज्जा काटते हैं. शेप की आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शेप जो है इसने वैसे भी चेंज कर लेनी है जब हम इसे बेक करेंगे. अब जैसे हम क्रोसांस बनाते हैं उसी तरह से हम इसे आप देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा खींचूंगी और इसको पलटना, मींस रोल करना शुरू करूंगी, जैसे क्रोसांस को करते हैं.
शेप की आप फिक्र ना करें क्योंकि वैसे भी इसने बेक हो जाना है आगे। और ये बेक होगा इस तरह की जो पाई डश होती है उसके अंदर। तो मैं ये सारे रोल करने के बाद इसमें रखती जाऊंगी। ये एक मैंने बना लिया रोल, अब मैं इसे इसके अंदर यूं करके रख दूंगी। तो शेप की आपने फिक्र नहीं करनी, ये जो है ये शेप वैसे भी रिटेन नहीं करेगा क्योंकि ये ब्रेड बन रही है और ब्रेड जो है वो अपनी शेप खुद ही ले लेता है। तो मैं बना बना के ये आप देख सकते हैं, इसको इसके अंदर रखती जाऊंगी। जो पाई डिश थी वो मुझे थोड़ी सी बड़ी लग रही थी, इसलिए मैंने इसे इस केक टिन में, जो 8 इंच का केक टिन होता है स्प्रिंग फोम वाला, अंदर से स्प्रिंग फोम नहीं सॉरी लूज बॉटम वाला, उसके अंदर मैंने इसको रख दिया है। और अब मैं इसे जो है ऊपर से रैप कर दूंगी फ्रॉम क्लिंग फिल्म से और माइक्रोवेव चलाऊंगी तकरीबन कोई 1.5 मिनट और इसको मैं उसके अंदर रख दूंगी। तकरीबन कोई 1/2 आवर या 20 मिनट मैं उसको वहीं रहने दूंगी और जब ये रेज हो जाएगा तब हम आते हैं उसे मिलते हैं। तकरीबन 20 मिनट इसे हो गए हैं, मैंने इसको रखा था कवर करके तो थोड़ा सा ये दोबारा से फूल गया है। अब मैं इसको एग वॉश करूंगी। एग वॉश करूंगी लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब मैं इसके ऊपर भी थोड़ी सी चीज डाल दूंगी। जी अब मैं इसे बेक करूंगी 180 डिग्री पे 25 मिनट्स के लिए। चीज बन जो है वो हमारा रेडी हो गया, ये चीज ब्रेड। अब मैं इसके स्पैचुला से इसके किनारे जो है वो इसको हटा दूंगी, मींस किनारों से इसको ये जो पैन है इससे हम अलग कर लेंगे और इसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, चीज़ बंस। बहुत मज़े की बनती है, बहुत यमी है, बहुत टेस्टी है सीरियसली। और आपके बच्चों के लंच के लिए, वैसे भी घर के नाश्ते के लिए इट्स दी बेस्ट। और बस पिज़्ज़ा की कमी नहीं होने देगा क्योंकि ये बहुत मज़े का है, घर में बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं, अपने हस्बैंड को खिलाएं और आई एम श्योर दे आर गोना लव इट। सो सी यू इंशाल्लाह ताला इन माई नेक्स्ट रेसिपी। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।